हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अभी मार्च में ही सरकार ने दिल्ली में मेट्रो लाइट का रूट फाइनल किया था, लेकिन अब उसका मन मेट्रो नियो पर आ गया है। मेट्रो चलाने की जिम्मेदारी देखरेख संस्था DMRC ने 29 मेट्रो लाइट के लिए जारी टेंडर कैंसिल भी कर दिया है। अब आप कहेंगे मेट्रो नियो में ऐसा क्या है जो DMRC का मूड बदल गया है, तो आइए बताते हैं क्या है ये मेट्रो नियो और क्या है इसे मेट्रो लाइट से बेहतर बताया जा रहा है। तो ये दोस्तों जानते हैं मेट्रो नियो की कुछ खास बातें। आसान भाषा में समझे तो यह टायरों पर चलने वाली मेट्रो है। इसे ट्रॉम, मेट्रो और बस का मिला जुला रूप भी कहा जा सकता है। मतलब यह दिखती तो मेट्रो जैसी ही है, लेकिन चलती बस की तरह है और इसे ट्रॉम की तरह ओवरहेड वायर से बिजली मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह तीनों का मिश्रण है। असल में मेट्रो नियो को छोटे शहरों की मेट्रो सेवा कहा जाता है। हालांकि दिल्ली पहला बड़ा शहर होगा जहां यह मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। फिलहाल DMRC ने 19 किलोमीटर के कीर्तिनगर से द्वारका के रूट पर इसे चलाने का मन बनाया है और जल्द ही इसके लिए टेंडर भी निकाल सकती है। इस सेवा के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा। यह लगभग वैसा ही होगा जैसा BRT यानी बस रैपिड ट्रांजिट होता है। मतलब सड़क पर मेट्रो और बाकी ट्रैफिक साथ साथ चलेंगे, जाम न लगे और BRT की तरह बाकी वाहन इसी की लेन में न घुसे, इसके लिए ट्रैक के आसपास फेंसिंग भी की जाएगी। और मेट्रो नियो को चलाने के लिए कॉरिडोर में अलग से स्लैब बना होगा। कई जगह यह एलिवेटेड भी होगी, लेकिन इस मेट्रो में साधारण मेट्रो की तरह लोहे के नहीं बल्कि बसों की तरह रबड़ वाले पहिए होंगे और इसके जो मेट्रो स्टेशन होंगे वह बिल्कुल अलग दिखेंगे। यह बस स्टॉप की तरह के स्टेशन होंगे। न इसमें ऑटोमेटिक फेयर काटने वाली मशीन होगी, न बैगेज स्कैनिंग, न मेटल डिटेक्टर होंगे। यहाँ बस बदलने के लिए बेसिक सुविधाएं ही होंगी, मिसाल के तौर पर लाइटिंग और CCTV कैमरे इत्यादि। और मेट्रो नियो को उन इलाकों में चलाया जाएगा जहां न तो मेट्रो जैसा भारी भरकम स्ट्रक्चर आने की जगह है और न ही जहां यात्रियों की संख्या ज़्यादा है। इसमें बाकी मेट्रो की तरह 6 या 8 नहीं बल्कि सिर्फ 3 कोच ही होंगे। हर कोच 12 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा होगा। इसकी सड़क से ऊंचाई 300 से 355 मिलीमीटर होगी, मतलब 30 से 35 सेंटीमीटर। कोच स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बने होंगे। परंपरागत मेट्रो के मुकाबले मेट्रो नियो काफ़ी हल्की फुल्की होगी। मेट्रो के मुकाबले इसका मेंटेनेंस भी कम होगा। नाम मेट्रो का है लेकिन मेंटेनेंस बसों जितना ही होगा। आम बसों से इतर ये बिजली से चलेगी। ओवरहेड यानी कॉरिडोर के ऊपर की तरफ लगे तारों से पावर लेकर चलेगी। इस हिसाब से यह पर्यावरण के लिहाज से ज़्यादा मुफीद मानी जा रही है। हर मेट्रो नियो में बैटरी भी लगी होगी जो लगातार चार्ज होती रहेगी। अगर लाइट चली जाएगी तो ये 20 किलोमीटर तक बैटरी के दम पर चलेगी। अब यहाँ बात यह आती है कि DMRC को मेट्रो नियो क्यों पसंद आ गई। मेट्रो लाइट चलाने का जो फैसला था उससे मेट्रो नियो पर क्यों आ गया, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह कम खर्च में काम हो जाएगा। जिस कॉरिडोर के लिए दिल्ली सरकार ने 2673 करोड़ रुपए का टेंडर उठाया था, उस कॉरिडोर के लिए मेट्रो नियो से 2000 करोड़ का ही खर्च होंगे, तो सीधे लगभग 700 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसकी लागत परंपरागत मेट्रो सिस्टम के मुकाबले लगभग 1/4 ही पड़ रही है। इतना ही नहीं, इसके रखरखाव का खर्च भी मेट्रो के मुकाबले काफ़ी कम आएगा और मेट्रो नियो में कम पैसे में ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसमें आवाज़ भी कम होगी, बिजली की खपत भी मेट्रो ट्रेन के मुकाबले मामूली होगी। DMRC को इससे काफ़ी बचत होने की उम्मीद है। अभी फिलहाल दिल्ली मेट्रो भारी लोन के तले दबी है। लाखों लोगों को प्रतिदिन ढोने के बावजूद मेट्रो मुनाफा नहीं कमा पा रही है। सरकार ऐसे विकल्प पर विचार आजमाना चाहती है जो सुविधाजनक होने के साथ ही सरकार पर खर्चों का बोझ भी कम करे। अब यहाँ बात यह आती है कि ये नियो कब तक बनकर तैयार हुई होगी। अभी मेट्रो नियो के प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी नहीं हुए हैं और अनुमान यह है कि आने वाले 3 से 4 साल का वक्त लगेगा और आपको दिल्ली में भी मेट्रो नियो कीर्तिनगर से द्वारका के बीच दौड़ती नजर आएगी। हो सकता है कई और रूट पर भी मेट्रो नियो को चलाया जाए। और हाल ही में आप देख सकते हैं कि नासिक में मेट्रो नियो को चलाने का टेंडर जारी कर दिया गया है। तो साथियों, जहां भी कम भीड़ भाड़ है
वहाँ पर कम लागत के हिसाब से मेट्रो नियो एक अच्छा उपाय है। तो आशा करता हूँ बाकी भी सिटीज़ में जहाँ भी जनसंख्या कम है और लोग कम खर्चे में मेट्रो की सेवा लेना चाहते हैं तो हम मेट्रो नियो एक अच्छा विकल्प है। साथियों आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो को सबसे पहले जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।